प्रणाम, कल्याण हो। आप लोग थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं आपके लिए दान की व्यवस्था करवाता हूँ। आज हमें इंतजार करने के लिए मत कहिएगा, हम लोग माँ के आदेश से एक उत्तरदायित्व का पालन करने के लिए आए हैं। उत्तरदायित्व? माँ के भोग का प्रसाद पहुँचाने के लिए आए हैं। माँ ने हमें यहाँ जबरदस्ती भेजा है। क्या आपको आश्चर्य हो रहा है? तो फिर सुनिए, मैं ध्यान लगाकर बैठा था। करीबी भक्त आज आ नहीं पाई है। मैं चाहती हूँ कि तू मेरे भोग का प्रसाद उसको पहुंचा के आए। जाएगा ना तू? जाऊंगा, तुम्हारे आदेश का पालन मैं जरूर करूंगा वहां। अरे ओ, माँ का भोग लेकर आ जाओ, हम लोगों को अभी माँ के परम भक्त के पास जाना होगा। वाह वाह, जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। क्या कह रहे हैं आप? ये तो आश्चर्यचकित करने वाली घटना है। माँ का आदेश मिलते ही हम लोग कालीघाट से माँ के इस भोग का प्रसाद लेकर रवाना हो गए, लेकिन कुछ ही देर में ऐसा लगा माँ किस भक्त के बारे में कह रही है, उसका नाम तो हम लोगों को पता ही नहीं। सही बात है, उसके बाद माँ की कैसी अद्भुत लीला है देखिए। किसी दैवी शक्ति के बलबूते पर हम लोग इस दास महल में उपस्थित हो गए। हाँ दास महाशय, हमारे पैर हमारे वश में नहीं थे, कोई तो अदृश्य शक्ति हमें खींच कर लेकर आई और यहाँ आकर हम लोग सचमुच दंग रह गए। ये तो हमारी वो छोटी बहुरानी का घर है, उसके जैसा इतना पवित्र आधार इस जीवन में मैंने कभी नहीं देखा। एक बार मेहरबानी करके छोटी बहुरानी को बुलवा दीजिए, उनके हाथ में माँ का ये भोग का प्रसाद सौंप कर धन्य हो जाएंगे। जरूर माँ, सब तुम्हारी लीला है। ये आपकी कैसी लीला है रघुवीर? मुझे तो आपकी लीला समझ में ही नहीं आ रही। मेरे पास कौन आई थी बता दीजिए रघुवीर, मेरे पास कौन आई थी सरजू के वेश में बताइए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, कोई संकेत दीजिए रघुवीर, कोई संकेत दीजिए। छोटी बहू, छोटी बहू, बहू एक चमत्कार हुआ है पता है? चमत्कार क्या हुआ है दीदी? आंगन में तेरे कमरे के पास ही अलता लगे हुए पैरों के निशान है। अलता लगे हुए पैरों के निशान? हाँ दीदी, बड़ी दीदी ने अपनी आंखों से देखा है। हाँ रे, लेकिन वो पैरों के निशान किसके हो सकते हैं? इस घर में तो कोई भी। समझ गई, मुझे सब समझ में आ गया। कहाँ जा रही है छोटी बहू? रुक जा, नई बहू
पैरों के निशान? ये क्या? ओ दीदी, दीदी कहाँ चले गए पैरों के निशान? यही यही पे तो थे, यही तो देखा था मैंने, कहाँ चले गए? कितनी अजीब बात है, देखने के बाद ही तो मैं तुझे पूजा घर में बुलाने आई थी, मिट कैसे गए? क्या हुआ है बड़ी बहू, तुम लोग क्या ढूंढ रहे हो बताओ तो? कुछ खो गया है क्या? क्या हुआ है बड़ी बहू, क्या हुआ है बताओ तो? कुछ नहीं खोया है माँ। तो फिर? आपको बताऊंगी तो भी आप विश्वास नहीं करेंगी शायद, लेकिन लेकिन मैंने यहीं पे आलता लगे हुए पैरों के निशान देखे थे। आलता लगे हुए पैरों के निशान कहाँ? वहाँ? हाँ माँ, यहीं पे देखा था मैंने। आपने देख लिया लेकिन मुझे नहीं दिखाई दिया, मेरा भाग्य इतना बुरा है। बड़ी बहू मैं कह रही हूँ, तुमने तुमने ठीक से देखा था ना? कहीं कोई भूल तो नहीं हो रही है ना? नहीं नहीं माँ, मैंने साफ साफ देखा था, बिल्कुल यहीं पे थे। यहीं थे लेकिन लेकिन गए कहाँ? यहाँ तो किसी ने भी पोछा नहीं लगाया। यही तो नहीं पता, लेकिन मैंने देखने में कोई गलती नहीं की माँ। भगवान ने मुझे संकेत दिया है, देवी माँ स्वयं मेरे पास आई थी लेकिन मैं उन्हें पहचान भी नहीं पाई। मैंने कहा था ना, सरजू के भेष में माँ आई थी, लेकिन मैं इतनी बदकिस्मत हूँ कि मैं माँ के पैरों के निशान भी नहीं देख पाई। की किस्मत अच्छी है दीदी, आपने उनके पैरों के निशान देखे लेकिन मुझे तो नहीं दिखाई दिया। माँ के पैरों के निशान अपने इच्छा अनुसार देखा नहीं जा सकता, ये मेरी बदकिस्मती है। किसने कहा तू बदकिस्मत है? तुझे तो माँ ने स्वयं दर्शन दिया है, माँ खुद आए थे तुझे प्रसाद देने के लिए, ऐसा भाग्य किसका है बता? दीदी आप बुरा मत मानना, काली घाट में ना जाके भी आपको स्वयं माँ के दर्शन हुए हैं। पैरों के निशान से माँ हम सभी को यही समझा कर गई कि आपकी बात सच है, वो सच में आई थी आपके पास। रानी, ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ? पैरों के निशान के बारे में ये सब क्या सुन रहा हूँ मैं? देखो रानी, हर बात की एक सीमा होती है, तुम्हारी कल्पना ने तो हद पार कर दी है। तुम लोगों की माँ काली घाट से चल के इस घर में आई थी, उनके पैरों के निशान बने और वो पैरों के निशान गायब भी हो गए। सब मनगढ़ंत कहानी है, अभी मेहरबानी करके ये सब बंद करो। देवर जी बिना मतलब क्यों होंगे, मैंने तो अपनी आंखों से देखा है अलता लगे हुए पैरों के निशान। भाभी वो तो मैंने भी देखे है, लेकिन आप जरा अच्छी तरह से याद करके देखिए, उस अलते लगे हुए पैरों के निशान में कोई कीचड़ मिट्टी लगी थी? नहीं मतलब माँ काली तो चल के आई थी ना? चुप हो जाइए देवर जी, आप भले ही विश्वास नहीं करते लेकिन हम तो मानते हैं, हम तो विश्वास करते हैं। चंदर विश्वास करना सीख चंदर, इतने चमत्कार हो रहे हैं और तू विश्वास नहीं कर रहा। काली घाट से साधु आए हैं छोटी बहू को देवी माँ का प्रसाद देने। इस बारे में तू क्या कहेगा? साधक बाबा लोग आए हैं? हाँ छोटी बहू, काली घाट के साधु को सपने में देवी माँ ने आदेश दिया तो वो भोग लेकर आए हैं। चंदर
छोटी बहू को हमने सजा दी, कमरे के अंदर कैद किया, पर हम इसे भगवान के दर्शन करने से रोक पाए क्या? बोल बोल ना दादी। राम मोहन रॉय सही कहते हैं, हमारे समाज में कुसंस्कार कूट कूट के भरे हुए हैं, और ये बात कितनी सच है वो अपने घर के लोगों को देख के समझ में आ जाता है। जो भी हो, आप लोगों का जो मन है वो कीजिए, मैं अपने विश्वास पर अटल रहूंगा। मैं चलता हूं। चंदर चंदर बहुत जिद्दी लड़का है, जिस पर विश्वास है उस बात से उसे कभी हिला नहीं सकते। इतना बड़ा चमत्कार हुआ है लेकिन उसे विश्वास नहीं है। अच्छा छोटी बहू, तेरी भक्ति में तो बहुत शक्ति है, ऐसा नहीं कर सकती कि देवर जी की सोच को बदल दे, उनके विश्वास को वापस नहीं ला पाएगी। हाँ हम लोगों ने पहले भी कहा है, अभी भी कह रहे हैं, आप लोगों की बहुरानी का आधार अति पवित्र है, अति उच्च कोटि का है। उस पर देवी माँ की कृपा है। आओ बेटी आओ। तुम देवी माँ के पास क्यों नहीं गई मुझे पता नहीं, लेकिन माँ तुम्हें बिल्कुल भूली नहीं है। वो खुद ही तुम्हारे पास आई है, उसने अपने भोग का प्रसाद भिजवा दिया है। ये लो बेटी। कल्याण हो। बाबा, आपसे मुझे कुछ प्रश्न पूछने थे, पूछूं क्या? जरूर बेटी, बताओ। माँ के आशीर्वाद से इंसान की सोच में परिवर्तन आता है, विश्वास होता है क्या? देवी माँ के निर्देश से ही ये सारा संसार चलता है, अगर माँ चाहे तो क्या नहीं हो सकता। अगर माँ चाहे तो विकलांग भी पहाड़ चढ़ सकता है, सब माँ की इच्छा है। मुझे माफ कीजिएगा, आप लोगों का अपमान करने के लिए ये बात नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मेहरबानी करके इस तरह की बात करके किसी को बहलाने की कोशिश ना करें। लोगों को बेवकूफ न बनाएं, आपकी इन बातों का समाज पर गलत प्रभाव पड़ रहा है। चंदर, नास्तिक जैसी बात मत करो, ये लोग सर्व त्यागी सन्यासी हैं, ये लोगों को गलत बात क्यों सिखाएंगे? देखा ना आपने, आपका नाती कैसी बातें कर रहा है, बिना कोई सर्वनाश के ये मानने वाला नहीं। नहीं नानी माँ, सर्वनाश मैं नहीं कर रहा हूँ, सर्वनाश ये लोग कर रहे हैं। मिट्टी के पुतले को भगवान कहकर प्रचार कर रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि ये मिट्टी का पुतला ही सर्वस्व है। माँ की इच्छा का मतलब क्या है? क्या माँ मिट्टी के पुतले के अंदर बैठकर इच्छा व्यक्त करती है? ये सब कुछ अंधविश्वास और कुसंस्कार के अलावा कुछ नहीं है। चंदर, चुप हो जा, बता रही हूँ।
जा यहाँ से। ऐसी बात करके अपना पाप और मत बढ़ा। मेरे नाती का दिमाग ठीक नहीं है, आप लोग माफ कीजिए। दादी मेरी, आप लोग परेशान मत होइए। दास महाशय के मन में जो द्वंद चल रहा है वो मुझे समझ आ रहा है। सुनिए दास महाशय, साधक ब्रह्मानंद जी ने माँ के रूप का दर्शन किया था। हम लोग भी दिल में वही रूप रख के पूजा करते हैं। माँ है कि नहीं, इस प्रश्न का जवाब किसी एक जगह पे बैठ के कभी नहीं मिल सकता, किसी को भी नहीं मिल सकता। एक काम कीजिए दास महाशय, और कुछ दिनों के बाद हम लोग माँ की शांति पीठ दर्शन के लिए जाने वाले। तारापीठ, नालहाटी, अट्टाहास, इन सब पीठों में जाएंगे। आप लोग बहुरानी को साथ लेकर हमारे साथ चलिए। आप अपने आंखों से देख लीजिए कि माँ विराजमान है या नहीं। शक्ति पीठ तीर्थ, जहाँ इतनी भक्ति श्रद्धा का महत्व है, वहाँ जाने का अवसर मुझे मिलेगा? उन सब जगह में विचार और अंधविश्वास को मिलाया जाता है, ऐसी जगह पर जाने की इच्छा नहीं है मेरी। दरअसल उससे सबके मन में अंधविश्वास भर जाएगा। अगर विश्वास नहीं करते तो जाने से क्यों डर रहे हैं? विश्वास मत कीजिए, यही सही होगा। इसीलिए एक बार आमने सामने जाकर देखिए, जानिए क्या सत्य है और क्या अंधविश्वास। अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंड खंड में काट डाला। देवी माँ एक शरीर में नहीं रही, 51 हिस्सों में बट गई इस धरती में। शरीर के हिस्से जिन जगहों पर मिले उन्हीं जगहों को कहते हैं शक्तिपीठ। भी नहीं मिलेंगे।